आज हेउछि पवित्र जन्माष्टमी। उत्तर प्रदेश मथुरा और वृंदावन समेत देशर विभिन्न स्थान में विष्णु मंदिर और इस्कन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्साह पालन कर नंदनालाखिक जन्मभूमि मथुरा नगरी में स्वतंत्र साजसजा कर आलोकमाला मंदिर झलसुवा बेले श्रद्धा किभली श्रृंखलित दर्शन करें स्वतंत्र आयोजन कर भाद्रवास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि निषार्धे मथुरारे कारागार मध्य कृष्ण जन्म होता प्रबल वर्षा रात्रि रे पिता वासुदेव उछुला जमुना नदी मध्य गोपपुर सेठारु बिजुली कन्या को सांगरे धरी आसीथिले। एथिपाई सारा भारत रे जन्माष्टमी मध्यरात्रि रे कृष्ण जन्मनीति सह विशेष पूजार्चनार आयोजन करा जाई थाए। पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आंकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। रेनबस एरिया हमने बनाए हैं, सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है। देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाए, ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने सीधा सड़ख सहित रहुछंती हमर प्रतिनिधि दीतिकृष्ण पहि। ए बाबद्रे आम आलोचना करबा पवित्र जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश मथुरा एवं वृंदावन नगरी दृश्य आपण माने देखुथिले कि भली भावरे पूरा सहर गोटे प्रकार सजेई होईछि एवं ये आज जन्माष्टमी पवित्र जन्माष्टमी उत्सव पई ही करा जाईछि एवं मध्यरात्र को अपेक्षा आज उपवास मध्य पालन करिथांती समस्ते। विष्णु मंदिर इस्कन मंदिर रे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्साह सहित पालन करा जाईथाय। भुवनेश्वर इस्कन मंदिर रे सकाळु सकाळु भक्तंकर मध्य गहळी लागिछे। भगवान को दर्शन करिबा पई भक्त माने धाई आसिछंती। सारा देश रे आजि उत्साह माहौल, सारा देश केवल उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन नगरी नुहे श्रीकृष्ण जन्मस्थान से नुहे, सारा देश रे गोटे प्रकार उत्सवर माहौल देखिबा को मिलिछे। मंदिर परिसर रे भुवनेश्वर इस्कन मंदिर परिसर रे मध्य स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। भजन कीर्तन सह अपराह्नरे सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य आयोजन करा जाइछि। अधिक आलोचना करिबा पई आम सहित सीधा सड़क रहउछंती इस्कन मंदिर परिसर रु आम प्रतिनिधि दीतिकृष्ण पहे। दीति, जन्माष्टमी उत्सव अनेक अनेक अभिनंदन, कौन देखुछंती दृश्य किभली भावरे आज नीतिकांति करा जाउछि, वर्तमान सुधा कौन कौन नीतिकांति सरिलानी, आगो को कौन सब करा जिवो एवं भक्त श्रद्धालु को पई कौन स्वतंत्र व्यवस्था। देखो मंदिर पक्षर तो किसी वर्तमान सूचना आसी ना कि कौन सब कार्यक्रम आगक आगू रही कौन होती आपको देखे पारि जिते भी प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी आसी था इस्कन मंदिर में स्वतंत्र आयोजन होता है। श्रीकृष्ण भक्त श्रद्धालु समस्त आसिक ये पूजार्चना करें गोटे दिन समस्त को भारी खुशी और आनंदित देता है। सनातन धर्मी मैंने आसिक ये पूजापाठ कर मो सहित दिज अच्छा महिला आम देखा कि पचार हाथ में गोलाप फूल अच्छी भगवान को अर्पण करेंगे ता सहित नड़िया फूल अति स्नेह श्रद्धार नहीं कि आस महिला कहीं से कृष्ण को पूजा करेंगे से सबुले भगवद गीतार लेखाही भल पाइबा मार्ग में आम चलिकी जी आज जन्माष्टमी केमती देखुं मैम आज प्रभु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज जन्मदिन आम कृष्ण को बहुत भल पाऊ आ प्रत वर्ष मुझे आसे ये भल मानने आयोजन करती बहुत भल लगे आज दिन बहुत पूजा पूजा ठाकुर को बहुत भक्ति सह आम पूजा करूँ आज श्रीकृष्ण जन्मदिन हो बहुत खुशी निश्चित भाव नड़िया ये सब अति स्नेह श्रद्धा हाँ पूजा करूँ ठाकुर को ध्यान करूँ पूजा अर्चना कर हाँ आज दिन तो बहुत ही पवित्र दिन कहीं आज कृष्ण श्रीकृष्ण निजे जन्म होती आज सी तो जन्म हो कि नंद परिवार रे बढ़ी थी किंतु देवकी कोलर से जन्म होती नंदोत्सव तो काली पालन कराब कि आज जेहेतु जन्माष्टमी जन्म तो आज बहुत ही खुशी लगुच मंदिर उपवास व्रत पूजा सब करने को चेष्टा करूँ बहुत ही खुशी लगुच कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्षे श्रीकृष्ण जन्म रु शेष पर्यटन सब स्तर बहुत कथा शिक्षा लाभ कर हाँ निश्चय
ତାଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ସପରିବାର ବର୍ଗ ଆସିଥିବେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଆଜି ଦିନଟା ପ୍ରାୟ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେଇ ରୂପକୁ ନେଇକରି ଅଲଗା ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧାଯାଇଛି, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ଏସବୁ ବେଶରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ରବିଶଙ୍କରକୁ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ, ସେସବୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି, ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ, ଭକ୍ତ ବୃତାସୁର, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପରିବାର? ଅତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଯଦିଓ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଆଜିର ଦିନରେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପହି ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।